नमस्कार, मैं उदय चौहान फिर हाजिर हूँ अपराधनामा की नई कड़ी के साथ। आज की खबरों का आगाज करेंगे हम उस वारदात से जो दिखा रही है महिला सुरक्षा के दावों को आईना। सीतापुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन के उजाले में सार्वजनिक जगहों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सिधौली कोतवाली व नगर में आज हुई वारदात इसकी तस्दीक कर रही है। सिधौली के बिसवा चौराहे पर स्थित एटीएम में शिक्षिका आरती देवी आज दोपहर पैसे निकालने गई थी। शिक्षिका के मुताबिक वहां पहले से मौजूद तीन युवकों में से एक ने उसका एटीएम जबरदस्ती लेकर पैसे निकालने का प्रयास किया, हालांकि पैसे नहीं निकले। इसी बीच शिक्षिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे राहगीरों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो हम मारपीट पर उतारू हो गए। एक बदमाश ने राहगीरों पर हेलमेट से वार कर दिया। आपाधापी के बीच भीड़ ने एक बदमाश को दबोच लिया, मगर उसके दो साथी बाइक से सवार होकर भाग निकलने में सफल रहे। खबर पाकर पहुंची सिधौली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बदमाश की पहचान मनोज शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी औरंगाबाद थाना नमिशाण के रूप में हुई है। बदमाश के पास से 70 एटीएम कार्ड व दो तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस अभी जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि पुलिसिया जांच में एक बड़े गैंग का राजफाश हो सकता है। हरगांव थाना क्षेत्र में सलारपुर पेट्रोल पंप के निकट लखीमपुर लहरपुर मार्ग पर कार व बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार अंगेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी पहाड़ापुर जनपद लखीमपुर खीरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को लखीमपुर जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे को अंजाम देकर कार चालक वाहन समेत भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मानपुर थाना इलाके के दुदियापुर मजरा मानपुर निवासी झब्बू पासी पुत्र स्वर्गीय अवसेरी पासी बुधवार रात करीब 9 बजे अपने खेत से लौट रहा था। गांव के संतोष कुमार यादव के खेत के पास से गुजरते समय खेत के किनारे लगे कटीले तारों में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी मानपुर अरविंद कटियार ने बताया, संतोष यादव अपने खेत में करंट दौड़ा रखा था, जिसकी चपेट में आकर झब्बू पासी की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संतोष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मानपुर थाना क्षेत्र के भिठौली में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण के लिए चूना मार्किंग कराने पहुंचे लेखपाल अविनाश मिश्रा ने राजेश सरबजीत मौजीलाल आदि पर गाली गलौज करने, धमकाने और कार में व्यवधान का आरोप लगाया। पीड़ित लेखपाल ने मानपुर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामकोट थाना व कस्बा निवासी ट्रक चालक बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र मुन्नालाल 15 जनवरी को घर से ट्रक चलाने गया था। ट्रक माल गोदाम सीतापुर में खड़ा मिला था, लेकिन वीरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक चालक की पत्नी रेखा देवी ने बताया कि 20 जनवरी को पति से मोबाइल पर बात हुई, उसके बाद से मोबाइल भी बंद है। शहर कोतवाली में सूचना दे दी गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थाना थानगांव पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रामखिलावन पुत्र फेरूलाल निवासी मगदापुर मजरा घेवड़ा को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया है। मौके से 5 निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 2 खोखा कारतूस, 3 बैरल व अवैध शस्त्र मरम्मत करने तथा बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। थाना हरगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त पुनीत पुत्र कल्लू निवासी बड़लिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से मौके पर 910 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की गई है। मिश्रिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15,000 के इनामिया अभियुक्त बीरू पुत्र किशोरी निवासी ओमपुरी मजरा नानकगंज झाला थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस और लूटा गया 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। सिधौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 के इनामी अभियुक्त नारायणपुर देसरार निवासी तुलसीपुर तथा बिसवा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त उपेंद्र वर्मा पुत्र जयप्रकाश वर्मा निवासी मधवापुर को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने कुल 1140 लीटर अवैध शराब तथा 7 भट्टियां बरामद की हैं। मौके से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो यह था हमारा आज का अपराधनामा। दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।